वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी थर्ड सीट 17/9/2018 को एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएँ। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑक्सिन। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी को झुकता है यानी की ओर झुकता है तो वह क्या कहलाता है, कौन सा हार्मोन्स है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है आपका ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सी है सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कार्य करने की दर कहलाती है आपका ऑप्शन ए है वेग, बी है शक्ति, सी है ऊर्जा, डी है बल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। अगर यही बात करें कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो आपका ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, बी है केवल गतिज ऊर्जा, सी है केवल स्थितिज ऊर्जा, डी है केवल घर्षण बल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आज के सेशन का पाँचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। आपका ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, डी है स्थिर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुप्रस्थ। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं तो अनुप्रस्थ होती है। जैसे मान लो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि आप एक तालाब हो गया उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो जो लहर बनती है वह होती है अनुप्रस्थ। तो आज के उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यह है। तो आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो आपका ऑप्शन ए है काइटिन, बी है सुबेरिन, सी है क्यूटिन, डी है सैफरेनिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुबेरिन। कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है तो वह है सुबेरिन। आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। आपका ऑप्शन ए है 45 अंश, बी है 90 अंश, सी है 0 अंश, डी है 120 अंश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 90 अंश। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है तो वह होता है 90 अंश। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। आपका ऑप्शन ए है डी ब्लॉक से, बी है एस ब्लॉक से, सी है पी ब्लॉक से, डी है एफ ब्लॉक से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डी ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो आपका ऑप्शन ए है
फ्रांसियम और हीलियम, बी है लिथियम और ऑक्सीजन, सी है लिथियम और हाइड्रोजन, डी है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांसियम और हीलियम। किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा होता है फ्रांसियम का और सबसे छोटा होता है हीलियम का। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? यहाँ पर गैसें होना चाहिए। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, यानी कौन सा समूह ऐसा है जिसमें निष्क्रिय गैस होती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है 17, बी है 18, सी है 7, डी है 1। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 18 में समूह में निष्क्रिय गैस होती हैं। इसे नोबेल गैस, इसे अक्रिय गैस, नोबेल गैस कहा जाता है। निष्क्रिय गैस को क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। देख लेते हैं कुल कितना है। तो यह अच्छा है हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जीनान रेडान। तो निष्क्रिय गैस कितनी होती हैं? 6 होती हैं, जो कि 18वें समूह में होती हैं। कौन कौन सी? हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जीनान रेडान। तो किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो 18वें समूह में। इसे नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है ऑक्सीजन गैस, सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी है सोडियम क्लोराइड विलयन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए सही हो जाएगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? आपका ऑप्शन ए है अंडकोश में, बी है विषण में, सी है शुक्रवाहिका में, डी है प्रोस्टेट में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विषण में। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो विषण में होता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है, यानी ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है। आपका ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 4, डी है 2। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है, तो 7 होती है। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 13, बी है 4, सी है 11, डी है 19। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? यहाँ आवृत्ति निकालना है। आपका ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, बी है 16 हर्ट्ज, सी है 8 हर्ट्ज, डी है 25 हर्ट्ज। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 16 हर्ट्ज। आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो आवृत्ति इक्वल टू कितना होता है? 1/T। आवृत्ति इक्वल टू 1/T, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 बटे कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर इसे को हम 40 से 2.5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 16 बार चला जाएगा क्या? क्योंकि 2.5 16 में कितना होता है? 40 होता है। तो यह कितना हो जाएगा? 16 हर्ट्ज, यानी n इक्वल टू कितना होता है? 1/T। यहाँ पर रख देंगे 40 बटे 2.5, तो काट देंगे 40 को 2.5 से, तो आ जाएगा 16 हर्ट्ज। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आइए आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 0.255, बी है 0.025, सी है 255, डी है 25। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी 0.255 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो 0.255। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? आपका ऑप्शन ए है 1/5, बी है 1/6, सी है 6, डी है 5। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1/6। किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 होता है। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संचरित होता है। आपका ऑप्शन ए है कोलेन काइमा, बी है स्क्लेरन काइमा, सी है पायरन काइमा, डी है फ्लोएम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पायरन काइमा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं, तो वह है पायरन काइमा। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? यानी 2000 के रुपए के नोट पर जो मंगलयान छपा है या किसका प्रतीक है, क्या दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन ए है भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, बी है भारतीय आर्थिक विकास, सी है भारत का तकनीक विकास, डी है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। 2000 के भारतीय बैंक के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? आपका ऑप्शन ए है बल, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है संवेग, डी है कार्य। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संवेग। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो वह है संवेग। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो RRB ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट 17/9/2018 को एग्जाम में पूछा गया था। यदि कोई स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।